हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर। अगर आप फार्म लवर हैं और आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आपको ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हम पहुँच गए हैं एडवर्ड सनफ्लावर फार्म। इस फार्म का एग्जैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं इसकी मेन एंट्रेंस पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस प्लेस को विज़िट करने के लिए, बिकॉज मैंने एक्चुअल में कभी भी सनफ्लावर फार्मिंग नहीं देखी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सनफ्लावर्स होते हैं ये अपना फेस सन की तरफ रोटेट करते रहते हैं। जैसे जैसे सन जिस जिस डायरेक्शन में मूव होता है, वैसे ही सनफ्लावर्स भी अपने फेस को उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहली बार सनफ्लावर गार्डन में आई हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि जो इनकी लेंथ है वो 6 to 7 feet लॉन्ग है और ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ सनफ्लावर से कम नहीं लग रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मी के साथ सनफ्लावर फार्म में आई हूँ और यहाँ मम्मी मुझे बता रही हैं कि कैसे हम सनफ्लावर सीड से ऑयल निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये सब देखकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। आई होप आपको भी आई होगी। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि कैसे सनफ्लावर ऑयल बनता है सनफ्लावर से। और यहाँ देखिए क्या मिला मुझे, एक आलू। और फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब अंदर, देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या रखा है। ये है कॉर्न्स। $10 में 12 कॉर्न्स मिलेंगे और $6 में 6 कॉर्न्स। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रखी है 2 फ्रेश पीच बास्केट जो कि है $10 पर बास्केट। और यहाँ है वुड लॉग्स, लोग अपने बारबेक्यू में जलाने के लिए ले जाते हैं। और ये देखिए $7 पर वाटरमेलन आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी कुछ यहाँ मिल रहा है फार्म में, ये सब यहाँ पर फ्रेश है और ऑर्गेनिक है। लेफ्ट साइड में कुछ पड़ी हैं चॉकलेट्स, बटर। और राइट साइड में यहाँ देखिए फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और ये है मैपल सिरप जो कि बहुत फेमस है कनाडा का प्रोडक्ट, जो कि मैपल ट्री से बनता है मैपल सिरप। और यहाँ देखिए ये कुछ सोवनियर्स हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं। और ये है हमारी सीड्स, यहाँ आप कोई भी सीड्स ले सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं फिर से कुछ गिफ्ट आइटम्स रखे हुए हैं इन्होंने, मग्स। और लेफ्ट साइड में फिर से कन्फेक्शनरी आइटम्स। और यहाँ पर है मीट। और बैक साइड में भी इन्होंने चिकन और मीट रखा हुआ है। और हम आ गए हैं दोबारा से बाहर और मुझे दिखा एक एप्पल ट्री जिसमें एक बहुत क्यूट क्यूट रेड रेड एप्पल्स लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने ले लिए कॉर्न। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्न यहाँ पे कनाडा में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी होते हैं और मीठे होते हैं। और यहाँ हमने ले लिए कुछ फ्रेश अनियंस। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियोज़।